जी हाँ दोस्तों, जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें, मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, 5 लाख रुपए का जुर्माना, वकील ने बताया अब क्या करेंगे। दोस्तों बात करेंगे इस पूरी खबर के विस्तार से। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको बता दें मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 27 अक्टूबर को ये फैसला सुनाया है। आपको बता दें एक दिन पहले ही कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दे दिया था। 10 साल की सजा के साथ साथ कोर्ट ने मुख्तार अंसारी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। मुख्तार अंसारी को इससे पहले भी एक अन्य गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। कोर्ट ने अंसारी के सहयोगी सोनू यादव को भी 5 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। आपको बता दें फैसले के बाद मुख्तार के वकील लियाकत ने कहा है कि केस मेंटेबल नहीं है, वे हाईकोर्ट में अपील करेंगे। कपिल देव सिंह गाजीपुर के करांडा थाना क्षेत्र के सुआपुर गांव के निवासी थे। सेवानिवृत्त होने के बाद वो गांव में अपने परिवार के साथ ही रहते थे। साल 2009 में गांव में एक दबंग व्यक्ति के घर पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की। कुर्की हुए सामान की लिस्ट बनाने और आम गवाह की जरूरत पड़ने पर गांव के लोगों ने कपिल देव को बुलाने की सलाह दी। पुलिस के आग्रह पर कपिल ने गवाह के रूप में सूची बनाने में मदद की। कपिल द्वारा पुलिस को दी गई मदद दबंग परिवार को पसंद नहीं आई थी, इसके बाद उनकी मौत कर दी गई। इस घटना के वक्त माफिया मुख्तार अंसारी जेल में बंद रहकर अपनी गैंग चला रहे थे। साल 2009 में ही मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के मीर हसन ने मुख्तार पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज कराया था। इस हत्याकांड की शुरुआत एफआईआर में अंसारी का नाम दर्ज नहीं हुआ था, बाद में पुलिस ने जांच के आधार पर चार्जशीट में मुख्तार अंसारी का नाम जोड़ लिया। इसके बाद कपिल देव की मौत और मीर हसन मामले को मिलाकर के पुलिस ने 2010 में गैंगस्टर एक्ट के तहत अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इन दोनों ही मूल केस में कोर्ट ने अंसारी को बरी कर दिया था, मगर अब गैंगस्टर एक्ट के केस में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दे दिया है। इससे पहले 5 जून 2023 को गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को अवधेश राय मर्डर केस में उम्र कैद की सजा सुनाई थी।